चार दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतना को खटिया दिन चढ़ता सी ते रात पड़ती सी। जब सुबह दी नौबत बजनी घड़ियाल खड़कना निशानी होनी के राजे दे किले वल्लों फैसला हो गया दिन चढ़ गया। बस रईत दा दिन शुरू हो जाना। लोगों ने उठना, दुकानदार ने अपनी दुकान की तैयारी शुरू कर दी, किसान ने हल जोड़ लेने, जिहड़े बंदी होने मुसाफिर होने रात दे किसी सराम च ठहरे होने, जदों सुबह दी नौबत वजनी
ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨੌਬਤ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਚੜ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪੰਖੀ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਦੇ। ਵੱਜਦੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਢੋਲ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ ਰਾਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਮਾਮੇ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਢੋਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੋਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਰਾਜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚੜਦੇ, ਭੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਟਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਾਲੇ ਬਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਕਿ ਨੌਬਤ ਕੇਵਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਈਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੌਬਤ ਵੱਜੇਗੀ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
मैं इस गल ते हैरान हाँ कि कुछ लोग जिन्हों का हुक्म चलता है संसार ते वो अपने आप नू राजा समझते हैं ते उन्हां भी अपने दरवाजियां ते महला ते नौबतां ला के इस गल दा एक प्रतीक बन के दुनिया नू दिखाया है कि साड़ी रईयत साड़े हुक्म दी आवाज ते दिन चढ़दा है ते रात पैंदी है। बाबा कबीर कह लगे मैं उन्हें खुद पूछना किन्नी क देर एग्जाम्पल बड़ी खूबसूरत दी कह लगे संसार का जीवन संसार की बादशाह दुनिया का राज भाग यह हमेशा नहीं टिकिया रहा। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए दस दिन नौबत बजा लिखनी तेन पता हो संसार की असल कहानी तो नदी नाल संजोग क्यों है नदी नाल संजोग की है नदियों का पानी नदियों के वहन नदियां दे वहन दा कोई ठिकाना कोई एक थां ते रुकना शाह हाशम एक सूफी फकीर होया है उन्हें दो चार लाइनां बड़ियां खूबसूरत आखियां कहिंदे नदियां नीर रहन नित तारो जिहड़ी सदा जिन्नी डूंगाई कंडे दे जिस उचाई तक आज नदी वग रही कल नूं आओगी उन्नी डूंगाई उन्नी उचाई उन्ने वहन विच ताकत उन्नी शक्ति कल भी दिसेगी। पानी नदी विच होगा इस विच कोई शक नहीं जिन्ना पानी कल जिस तैदाद जिस मिकदार विच कल पिया वगदा सी उसी मिकदार नाल अज भी वग रहा है उस वहन विच जिन्ना क बहाव कल सी ओना बहाव अज भी है। पर शाशम कहिंदा है कल वाला बहाव ते तू देख सकना है कल वाला पानी नहीं देख सकना। कहन लगे नदिया नीर रहन नित तारू वो कदी ना होवन हल्के कटदे नहीं पर एक ख्याल करी जो जल अज गए इस राहों को फेर ना आवन भलके जेड़ा पानी कल वेख के गया ना उनकी डूंगाई तो तू अज वेख सकना उन्नी मिनती कर सकना पर जेड़ा पानी कल वेख के गया है वो पानी तू आज नहीं देख सकता वगे लंघे क्योंकि पानी रुकता नहीं। कह लगे इसी तरह संसार की कोई वस्तु संसार का कोई राज भाग दुनिया का कोई पदार्थ एक थान टिकता नहीं विश्वास न रख के मेरे को है ते मेरा ही है हमेशा वास्ते मेरा है। मैं फर्ज की सी कि भले हो संसार नु बिरख दी छां क्यों आख्या है गुरु अर्जुन पातशाह जी ने भी श्री सुखमनी साहब विच आख दिता कहन लगे बिरख की छाया से ओ रंग लावे ओ बिनस है ओ मन पिछतावे है। फिर कहने लगे जो दिस है सोचारन हार कहने लगे बिरख दी छा मान सकना है फड़ नहीं सकना जे तो आखे बिरख दी छाया नू अपने मुठी विच कर लवा अपनी मर्जी नाल चला लवा वो तेरी मर्जी ते नहीं। इसी तरह संसार दी कोई वस्तु दुनिया एवें बसदी रह गई ऐसी गल नहीं
संसार की तादाद दुनिया के राज भाग संसार की हरियावल फुलवाड़ी फुलों का खेड़ा इं चलता ही रहेगा। ये कहानी नहीं मुकनी। मैं एक अर्ज की श्री आसा जी दीवार के दो श्लोक जेडे बहुत नेड़े नेड़े ने उन्होंने आपसी संबंध की एक भी चकते ने सचे तेरे खंड सचे उरे मन सचे तेरे लोग सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार ते दूजे पासे नाल ही आखदे हुंदे नहीं कूड़ राजा कूड़ पर जा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वसना उत्थे कूड़ आख दिता इत्थे सच आख दिता। सच ते कूड़ दा मेल किवें ओ भी उसे संसार लई ओ भी उसे संसार लई उत्थे भी कह दिता सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड संसार इत्थे भी कह दिता कूड़ राजा कूड़ पर जा कूड़ सब संसार संसार वो सच है एक फिल्म सच है पर उनका पात्र सच नहीं। फिल्म चलती रहेगी पर पात्र बदल जाएगा। पिछले दिन चिंकल उस मालिक ने अपना सारा प्रोग्राम बनाया ही इस तरह भी जे पहले पत्ते चढ़नगे नहीं तो दूजे पत्ते किवें आउणगे। जे पत्ते चढ़ नहीं आएगी तो बाहर का कोई अर्थ नहीं रहना। जे संसार अंदर भला दुनिया का कोई बजुर्ग बन के जाए ना हमेशा रहे तो संसार की भी 50 साल बाद की हालत होगी। ये पता बच्चा कोई ना आए बजुर्ग कोई ना जाए। बल्कि मैं एक फर्ज की किसी जेड़े इस ना जानू ते जानू मुक्ति आख देने ना ते मैं इस बंदे चर्ज की किसी गल बड़ी खूबसूरत है जी। पता संसार के अंदर भगत जन जिमें आप समझते हैं जख्या जाता है भगत जन मुक्त हो जाता है चंगे लोगों मुक्ति मिलती माड़े लोग जड़े ने जन्म मरण में पैदे ने उन्होंने बार बार जन्म मिलता है। तो मैं क्या कि एडी अजीब गल है जिस चंगे लोग जड़े ने मुक्त हो जाते हैं वो मुड़ के नहीं जन्म लेंगे ते माड़े लोग जड़े ने वो बार बार जन्म लेंदे ने फिर तो बड़ी मुश्किल बन बन जाएगी। चंगे आदमी ने मुड़ के आना कोई नहीं माड़ा बार आदमी बार बार आएगा 10-20-50 साल बाद दुनिया ही माड़े लोगों की रह जाएगी। माड़ा चंगा अपनी थां है वो इस संसार विच बनता है जदों निरंकार भेजता है जदों बनाउंदा है उदों कोई माड़ा नहीं बनाउंदा वखरा चंगा नहीं बनाता। हाँ जो जैसी संगत करे सो तैसो फर्क आए वो इत्थे ही आके चंगा बनता है चंगी संगत विच। साडा मसला संगत ते कुसंगत दा क्यों है क्योंकि जो जैसी संगत करे चंगा ते माड़ा तो संगत नाल बनना है। निरंकार ने तो किसी को डाकू बना के किसी को चोर बना के किसी को जालम बना के नहीं भेजा। जो बच्चा जन्म लैंदा सारे एक ख्याल करियो पर संसार अंदर किसी ने आना है किसी ने जाना है। हर अटकी माला जैसे टिंड लगता है एक सखनी एक फेर पाई जाता है। दुनिया की कहानी ने संसार नूं नवीनता दिती है। मेरे मालिक ने जिहड़ा ये सिस्टम बनाया ना कुदरत विच रखिया है विश्वास करियो इसे ने संसार अंदर कोई नवीनता बना के रखी है। नहीं तो संसार तो ऐसा बन जाए जिसनूं जिस विच रहना जिसनूं देखना ही मुश्किल हो जाए। पर जे इस सिस्टम नूं असीं अपनाइए ना इस समझिए ना तो फिर परेशान हो जावे
और यही गल इतने कहते राजा कदी ये नहीं चाहता मैं संसार तू चला जावा बड़ी बाज है हाथ पैर कम ना कर राज सिंघासन ते बैठ के अपना हुक्म करन दी भी शक्ति ना रहे फिर भी चाहता है सिंघासन मेरे को रहे। पर गुरु ने एक गल समझाई कह लगे भरिया मैं तेन एक गल विश्वास ना कहना तू दस दिन अपनी नौबत बजा ले पर एक गल याद रखनी ये संसार जिहड़ा है वह नदी नाल संजोग है जिओ इहदी कहानी नदी नाल बारे जिवें हुणे लभ रहे सन कि नदियां नीर रहन ने तारू वह कदी ना होवन हल्के जो जल अज गए इस राही वह फिर ना आवन भटके कहन लगा इवें रहे जहान वसेंदा मुड़ असी न बैसा रल के जहान तो बसेगा दुनिया नहीं खत्म होगी सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड रहेंगे पर जे तू आखे मैं सच हूं तो हम इन दो श्लोकों स्पष्ट कर कह लगे पहले श्लोक मैं एक गल दस देना चाहना कि जिहड़ा संसार का कोई बादशाह है दुनिया का कोई राजा है वह भावें अपनी नौबत नाल दिन चढ़ा लए अपनी नौबत नाल रात पवा लए अपनी नौबत तो भाव संसार अंदर अपनी कैनात विच अपनी रईयत विच अपने हुक्म का प्रतीक बनिया रहे पर दस दिन वास्ते ये राज उनके कोल हमेशा नहीं रहना ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਖਾਈ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗ ਨਾ ਕੱਛ ਲੈ ਜਾਏ खटिया तो भाव खटना जोड़ना कमाना जे तू भला इन्ना खट लै इन्ना कमा लै इन्नी दौलत इकट्ठी कर लै के गठिया मटिया गंठ भी बन ले गंडा बन ले ते मटिया मिट्टी में दब भी दे उदों पुराने समय अंदर बैंक ते होंदे नहीं सन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਧਰ ਦੱਬੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਧਨੀ ਨੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਧਰ ਦੱਬੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਢ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹ ਗੰਢ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ
संग न कछ ले जाए। ये चार दिन इथों की नौबत का ही बहाना है। कह लगे ये संसार की कहानी, एक और राजा ये भूपत सब दिन चार के, पर इंद तो पहली कतोक है वो है सब दिवस चार के झूठे करत दीवाजा। ये झूठे ही दावे करना है दीवाजा, झूठे ही दावे करना है। राज मेरा है, रियासत मेरी है, इथों तक मेरा बॉर्डर है, इत्थे कोई मेरी मर्जी बिना मेरी इजाजत बिना मेरे राज विच कदम नहीं रख सकता। मलकीत महसूस कर दावा करता है, पर कहन लगे जे राज दा मतलब एहो ही है तो वह तो संसार अंदर राज दा दावा करने वाले लोग चले गए, कई आए कई चले गए। इस संसार की कहानी तो मानो नदी नाल संजोग है, इत्थे राजे ने भी आना है चला जाना है, गरीब ने भी आना है चला जाना है। पर कहन लगे एक राजा वो भी है जिंदा सारे ब्रह्मांड ते हुकम चलता है, एक राजा वो भी है जिंदा सारे संसार ते जे हुकम दा मतलब है की राजा है, तो फिर सारे संसार ते हुकम चलता। आपां रोज पढ़ने हुकम है अंदर सब को, बाहर हुकम ना कोई। जिंदा हुकम पवन ते भी चलता है, दरियावां ते भी चलता है, अग ते भी चलता है, पानी ते भी चलता है, सूरज ते भी चलता है, चंद्रमा ते भी चलता है। केड़ी अजीब भावे च सूरज भावे च चंद, केड़ी अजीब गल है कि वह कोई मालिक राजा ऐसा है जिहड़ा सूरज ते चंद्रमा ते भी हुक्म कर रहा है। सूरज ते चंद्रमा का हुक्म उहदे ते नहीं चलता, क्योंकि सूरज ते चंद्रमा जिहड़ा है वह संसार है, कुदरत है, उनका हिस्सा है। कुदरत का हुक्म कादर से नहीं चलता, हाँ कादर का हुक्म कुदरत से चलता है। पैर च सूरज है, पैर च चंद्रमा है, पर चंद्रमा ते सूरज के पैर च मालिक नहीं। कह लगे बस आ फर्क है, मैं उनकी सिफत भी नाल दसना चाहना। एक और राजा है जिहड़ा अपनी नौबत दस दिन बजा के चला गया है, वो राजा है जिहड़ा चार दिन अपने गठिया मठिया इकत्र करता होया सब कुछ त्याग के छड़ के चला गया है। ते कहन लगे एक वो राजा है जिस वो बादशाह है जिसका सारे ब्रह्मांड ते हुक्म भी चलता है, तो दुनिया के जिन्ने उनकी रईयत के लोग ने भाव सारा ब्रह्मांड उनकी सिफत भी कर रहा है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उनकी रईयत है, उनका राज है, उनकी सिफत भी कर रहे हैं। गावन तुदू पौन पानी बसंत जिथे आख्या ने ना, भय विच पौन वै सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ। दुनिया अंदर दो चीज़ा देखने वाली ने, भय होर चीज़ है, गावना होर चीज़ है। संसार अंदर कई लोग डर विच होंदे ने, पर हर डर वाला सिफता नहीं करता। कई बार तो डर वाले जिहड़े भय विच होंदे ने वो बेचारे औखे होंगे ने, इनका प्यार इनका डर साढ़े सिर से क्यों है, कदों खत्म हो गया। पर इतने अजीब गल है, भय विच पवन भय सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ। जिहड़े वो भय विच ने वो इन्ने खुश ने ते इन्ने प्रसन्न ने उनके भय विच रहने लई कि उनकी सिफतां कर रहे ने। गवन तुद नू पौन पौन बसंत गावे राजा धर्म द्वारे, गावन तुद नू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुद नू ईश्वर ब्रह्मा देवी सारे उनदियां सिफतां कर रहे ने। कहिंदे ने इत्थों तक सिफतां ने उनदियां वडियाईयां ने कि जे सत्तां समुंदरां दी जिहड़ी तंदी पे
पानी है जी भला स्याही बन जाए सिखता इकट्ठिया करा अगले श्लोक में बाबा कबीर आख रहे दुनिया की जिन्ने लकड़ जिन्ने बिरछ मुटे ने सारिया दियां कलमां काट लवा सात समुंदर मस करो कलम करो बन राय सारी बनस्पति दियां कलमां काट लवा। फिर कहन लगे जिन्नी धरती है वो सारी कागज बन जाए जिन्नी धरती है वो सारी कागज बन जाए ते सारियां बनस्पति दियां कलमां नाल सारे समुंदर दी स्याही नाल जे सारी धरती कागज बना के उन्दे ते मैं प्रभु दियां सिफतां लिखनियां शुरू करा ते मेरे हाथ मेरी विचार मेरी सोच थक जाएगी उन्दे गुण नहीं थकने। गुरु की वाणी पर बार बार क्यों आखे तेरे कमल कमल गुण कह कह गावन एक दूजी बहुत लख होए लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा ये एक नाम जगदीश ये सब कुछ कहन तो भाव गुरु दा ये है कि किते नाम जपन वाला सिफतां करन वाला ये ना समझ पड़े कि मैं रब ते मालिक ते उस बादशाह सर्वशक्तिमान ते कोई एहसान कर रहा क्योंकि मैं उन्हें सिफतां कर रहा गुरु ने तो इतों तक कहता कह लगी जे सब मिलके आखन पाए ये दुनिया का हर जीव आखन लग पवे सारे संसार का मालिक है उनके हुक्म पे चलना उनके अपने आप को निर्भर करके रहना होर गल है। एक लफज पाणी देने बड़े खूबसूरत लफज ने कहते ने पिंड है ना ग्रह जर परिंदे तो भाव परिंदा पंछी ग्रह जर ग्रह घर जर संपदा कहने लगे दरखत आब आस कर परिंदे दी पंछी दे जीवन दी वल झाक मारी तू ते एडे एडे महल बना ले रहन लई तू बहुत सारा जर दौलत संपदा इकट्ठी कर ली अपने जीवन सुखी बिताने लई इन्ना कुछ कत्तर कीता पर कभी परिंदे वाले भी वेखे पंछी कोल ना कहा परिंदे ना ग्रह सन ना उन्दे कोल कोई संपदा दौलत उन्हें किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुलाया उन्हें कोई दौलत इकट्ठी नहीं की थी ना उन्हें अपने लिए कोई बड़ा मजबूत घर बनाया कंक्रीट कह लगे उनकी तो सिर्फ दो ही चीजा ने उनकी लोड़ा दरखत आप आस कर दरखत की टाणी ते रह लैंदा है ते पानी बारिश का कित किसी तालाब इकट्ठा हो जाए वो उनके लिए जरूरी है उतों जाके पानी पी लैंदा है ते जिस दरखत ते रहिंदा है उनके फल पत्ते खा के गुजारा कर लैंदा है लोग कहते हैं उनके जीवन का इन्ना दर पर तू हे मेरे मालिक उन्हों दरखत आप भी दोनों चीजों दे जाना उनकी जरूरत पड़ी जाना पूरी करी जाना परिंदा इन्ना ग्रह सार दरखत आप आस कर देहंद सुनियो तो इन्हीं का आस लैके बैठा हो तेरे को कुछ मंगता ही नहीं
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਾਂ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਦਵੇ ਤ੍ਰਿਪੁਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਦੇਹੰਦ ਸੂਈ ਤੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਹੰਦ ਸੂਈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕਲਮ ਕਰੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਅਮੀਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾ ਲਏ ਬੋਲੇ
ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਫਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।